हे uh, गाइस <coughs> hey कैसे हैं आप लोग आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में माय नेम सजीत मिश्रा आई एम ए जी एजुकेटर और कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे एग्जाम्स कॉन्टीन्यूस लाइन से हो जाएंगे अभी और आई होप कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे ठीक है तो शुरू करते हैं अपना सेशन गाइज तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग नवंबर मंथ का रीज़न कर रहे हैं और आज हमें कितने क्वेश्चन हो जाएंगे देखिए मैंने पहली क्लास ली पचास क्वेश्चन दूसरी क्लास ली पचास क्वेश्चन तीसरी क्लास ली पचास क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूं ऑलरेडी टेलीग्राम पर और ये हमारा डेढ़ सौ क्वेश्चन था नवंबर मंथ का ठीक उसके बाद फिर क्वेश्चन क्वेश्चन और 50 मतलब सौ क्वेश्चन हमने फिर से कर लिए हैं ठीक है आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे पचास क्वेश्चन का तो यानी कि वन फिफ्टी क्वेश्चन और हो जाएंगे आज और आज आपको इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर इस तीन सौ क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं है ना लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मैं आपको और करवा नवंबर तो मैंने आपको ऑलरेडी तीन सौ क्वेश्चन मतलब आज में दे दूंगा नवंबर मंथ का आप इसको रिवाइज करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन गाइस और कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं तो ये ये अगर मैं बात करूंगा गाइस तो अन का आज लास्ट डे है तो आज लास्ट डे का सब्सक्रिप्शन है और इसके बाद प्राइस हाई हो जाएगी तो देख लीजिएगा टीम नासा कोड आपको ध्यान देना है टीम नासा कोड इसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट टेन परसेंट का हो जाएगा ठीक है अगर आप नहीं भी लेते हैं तो कोई बात नहीं है हम तो यूट्यूब पर पढ़ाई रहे हैं आपको पूरा क्लास है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक बेटा टेलीग्राम चैनल का नाम है ये मेरा सर्च कर लो आप ठीक है यहाँ बच्चे आपको बता भी देंगे सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं ठीक है जिनका भी एग्जाम है सबको बेस्ट ऑफ लक तो आइए शुरू करते हैं अपना सेशन थोड़ा सा होगा अभी परेशान मत होना क्योंकि मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं ठीक है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन की बारी आने की क्योंकि हम इतने क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इस सीरीज में ध्यान दीजिएगा इस चीज को ठीक है हाँ तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं सारे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देख लो भैया अगर तुम्हारी क्लास छुट्टी है तो इतने क्वेश्चन तुम नहीं किए हो तो परेशान मत हो अभी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं सामने ठीक है <laughs> चलिए तो शुरू करेंगे सेशन अपना गाइस और यहां पे पहला क्वेश्चन हमारा ये आएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इंडिया ने चार पैक्ट साइन किए हैं मतलब चार एग्रीमेंट साइन किए हैं किस कंट्री के साथ ठीक है इंक्लूडिंग हंड्रेड मिलियन ग्रांट फॉर अ की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विथ विच कंट्री मतलब भारत ने किस देश के साथ एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के लिए हंड्रेड मिलियन अनुदान के साथ चार एग्रीमेंट साइन हैं। इस हंड्रेड मिलियन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पांच मिलियन डॉलर की हेल्प की है जिसमें चार मिलियन डॉलर का लोन है और सौ मिलियन डॉलर का ग्रांट है ध्यान देना इसको भी चार मिलियन का लोन है यह कौन सा देश है आप लोग बोल रहे हैं मालदीव है क्या मालदीव सही होगा आइए देख लेते हैं तो मालदीव ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर देख लो भाई लोग तो इंडिया मालदीव के साथ चार साइन किया है टोटल पांच मिलियन डॉलर दे रहा है पांच मिलियन में चार मिलियन लोन है 400 मिलियन लोन है और 100 मिलियन ग्रांट है यही आपसे पूछा गया है सौ मिलियन ग्रांट लेकिन 400 मिलियन लोन को भूलना मत है ना देखो यहां पे तो इंडिया मालदीव चार एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो वहां पर इंडिया इनके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मतलब प्रॉपर इनका जो इनका जो मतलब बेसिकली वो है कैपिटल है उसको प्रॉपर करेक्ट करने के लिए रोड बनाने के लिए पैसे यहां पे दे रहा है ठीक है तो एक पॉइंट हमारे सामने है देख लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टू हु अमंग द फॉलोइंग विल हेड द पैनल टू रिविजिट रिटेल बिजनेस ऑफ द इंजीनियरिंग टैरिफ इंजीनियरिंग टैरिफ टैरिफ का मतलब क्या होता है टैरिफ का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे टैक्स टैरिफ या कुछ पैसा ऐसा तो एडा ने कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है वो रिविजिट करेगी रिव्यू करेगी रिटेल बिजनेस ऑफ द इंजीनियरिंग ट्रैफिक इसके लीड कौन करेंगे ये आपसे पूछा गया है। यहां पर पांच ऑप्शन आपके पास है इसका आंसर क्या होगा सर न्यू ईयर का डांस दिखाओगे आज ये गाना सुनाओगे राहुल जी ठीक है रात में मिलते हैं लाइव आते हैं आज रात में बात करते हैं आप लोगों से है ना और इसका आंसर क्या होगा आप लोग बोल रहे हो आर चंद्रशिखरन क्या ये सही आंसर है एक बार देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं इसका आंसर आर चंद्रशेखरन ऑप्शन नंबर सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर गाइस बहुत बढ़िया फैंटास्टिक एक बार देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को तो एडा की बात करें एडा हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेटर है इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है मत भूलिएगा कुंटिया जिसके हेड हैं ये मत भूलिएगा ठीक है और अगर हम बात करें तो आर चंद्रशेखर इसको लीड करेंगे तो ये पॉइंट बिल्कुल सही आप लोगों तो ने बोला है बहुत बढ़िया फैंटास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन जेसिंडा अर्डन अभी ये न्यूज में थी ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है अभी दोबारा दोबारा न्यूजीलैंड में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका ईयर तीन साल का होता है तीन साल का टर्म होता है हमारी तरह पंचवर्षीय योजना नहीं होती तो ये दोबारा इलेक्शन जीत के आई है ठीक है तो जिसना बायोग्राफी जिसिंडा अर्डन लीडिंग द तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सकता है कि लीडिंग लीडिंग द ये जो बायोग्राफी है किसकी है तो आंसर क्या होगा जिसिंडा अर्डन का ठीक है और वो किस देश की प्राइम मिनिस्टर है तो हमने बात कर ही ली है न्यूजीलैंड की है तो ये तो क्वेश्चन आउट है पहले से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है तो जिसिडा हार्डन ये दोबारा चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है और यहां पे करेंसी चलता है डॉलर डॉलर चलता है डॉलर आप कैसे याद कर सकते हैं तो मैंने कई बार आपको ट्रिक बताई है मैं आज भी आपको ट्रिक बता दूंगा तो देखिए बाबू जी बाबू जी जी मतलब यू कैन सिंगिंग यू कैन सिंगिंग सिंगिंग क्या नज ए कोई अरबी सॉन्ग है ठीक है

चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आपके सामने देख लीजिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज़ वॉन द ड्रीम इलेवन आईपीएल टू थाउजेंड ट्वेंटी ये तो आप लोग बता दें जो भी टीम जीती है ये उसका पांचवी जीत है और अभी तक के आईपीएल में सबसे ज्यादा टीम ये जीत चुकी है पांच बार आईपीएल खिताब ठीक है आपके एग्जाम में आईपीएल से क्वेश्चन जरूर आएंगे तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं वो सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा फॉर आपसे मान लो पूछे ये कौन सा एडिशन एडिशन था था क्योंकि अभी आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा था कि एडिशन से क्वेश्चन पूछ रहे थे है ना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा आइए तो मुंबई इंडियंस बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का मुंबई इंडियंस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है तो मुंबई इंडियंस ने फाइनल के मैच में डेली कैपिटल्स को हराया पांच विकेट से और ड्रीम इलेवन का ये प्रीमियर लीग जीत लिया ठीक है और ये इस बार कहां फाइनल हुआ था दुबई में फाइनल कहा हुआ था दुबई में तो आपसे फाइनल मैच कहा हुआ था ये पूछा जा सकता है और मुंबई का ये कौन सा टाइटल था तो पांचवा था ये भी याद कर लीजिएगा ठीक है और अगर हम बात करें जो ये बीसीसीआई की लीग शुरू हुई है वो टू थाउजेंड है तो ये भी आपको मालूम ही है और इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है आ, कि मुंबई इंडियंस ठीक है और पांचवा टाइटल था ये भी ठीक है एडिशन थर्टीन तो ये आईपीएल का तेरहवा एडिशन था इसे मत बोलना भाई लोग ये तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा तुम्हें कसम है है ना याद कर लेना इसे. कहा यूएई में हुआ. फाइनल कहा हुआ दुबई में हुआ ठीक है? क्योंकि और भी थे, तो, तो रवाडा को मिला ठीक रवाडा दिल्ली के लिए खेल रहे थे केएल राहुल किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेल रहे थे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्स तो ईशान किशन इनको ये मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे ये भी याद कर लीजिएगा और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर पैट कमिंग से पैट ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं और खेल रहे थे इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स से 15.5 करोड़ की बोली इनकी लगी थी ठीक है और फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर सेंचुरी इन द ड्रीम इलेवन 2020 तो केएल राहुल थे वो ठीक है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी पड़ेगी मेरी कसम मत खाओ भैया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक हाउ टू बी ए राइटर इसमें से किसने एक बुक लिखी है हाउ टू बी ए राइटर देख लीजिए और उसका आंसर दीजिए Uh, रवि सुब्रमण्यम रूपा पाई अमिताभ घोष अरुंधति रॉय एंड रस्किन बॉन्ड पांच ऑप्शन आपके पास आंसर क्या होगा क्या खेला ईशान किशन बहुत बढ़िया <laughs> और यहां पे रस्किन बॉन्ड आंसर आ रहा है तो हाउ टू बी राइटर ये बुक किसने लिखी है रस्किन बॉन्ड ने तो अगर आपके भी मन में राइटर बनने का सपना है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं ठीक है बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है और इस बुक का पब्लिशर कौन होगा हाइपर कोलिंस इंडिया होगा हालांकि पब्लिशर पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन जो बच्चे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ये मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूं आपको ठीक है तो देख लीजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने इंडिया वाटर सेंटर अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न सिटी फिर देख लो च ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर लॉन्च कर रहा है अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न सिडनी सिडनी मीस ऑस्ट्रेलिया आंसर दीजिए जरा स्वाति चुप्रह क्या हो गया स्वाति जी को चलो

और अगर हम बात करें तो द वॉटर सेंटर इज लीड बाय द लीड कौन करेगा यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न सीड नहीं करेगा फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड आईआईटी गुवाहाटी फ्रॉम इंडिया अलोंग विद 21 अदर पार्टनर ठीक है तो 21 अलग पार्टनर है ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आने वाला है हां आईआईटी आई का नाम याद कर लीजिएगा और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी का नाम याद कर लीजिएगा ये दो पॉइंट ठीक है और हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं तो एक ये तो आपको याद ही होगा इसमें कोई बात ही नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं आपसे सर नजर मत लगाओ किसको मैं नजर लगा रहा हूं भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा तैयारी को नजर ठीक है फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन है फायर डिटेक्शन एंड सपरेशन सिस्टम फॉर द पैसेंजर बसेस तो इसमें से किसने एक ऐसा uh, इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है जो कि आई थिंक पंद्रह सेकंड में कि तीस सेकंड में तीस सेकंड में शायद बस में अगर आग लगती है तो उसको पहचान लेगा और साठ सेकंड में उस आग को बुझा भी देगा किसने डेवलप किया है बीई एम एल बी डी एल डी आर डी ओ इसरो एंड जी आर एस वॉट इज देंसर सर

वुमेन्स लीग भी चल रहा था यूए में आपको मालूम ही है जियो इसका स्पॉन्सर था जियो था तो वुमेन किसने जीता आपसे पूछा गया है और आंसर की बात करें तो यहां पर सर आपके आंसर देने पर अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए ठीक है नया मंजूर लेकिन तुम्हारी सैलरी आने पर भी हमारे अकाउंट में कुछ तो क्रेडिट होना चाहिए फिर दक्षिणा है ना

और अगर हम बात करें तो कौन से पॉइंट हमारे पास हैं? देख लेते हैं तो फाइनल मैच जो हुआ वो ट्रेल ब्लेजर्स और सुपर नहीं ठीक है हाँ ठीक है ये कहां पर हुआ शारजा में हुआ देखो तो एक पॉइंट ये बेटा एक पॉइंट ही है ना। ये देख रहे ये स्टेडियम वाला क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है और अगर हम बात करें फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी स्मृति मंधाना जी बनी और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बनी तो राधा यादव जी बनी तो ये दो नाम आपको याद रखना पड़ेगा मेरा क्वेश्चन आपसे है कि स्मृति मंधाना को किस बैंक ने अपना ब्रांड अम्बेसडर अपॉइंट किया है यह क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है लिख लो चलो बताओ क्या इसका आंसर होगा फर्स्ट सैलरी सर के नाम भी तुम तुम ही पार्टी करो चलो इसका आंसर क्या होगा जो मैंने पूछा तो इक्विटिस स्मॉल फाइनेंस बैंक आज सुबह हम लोग पढ़ चुके हैं के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं द गवर्नर ऑफ विच स्टेट द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज रिलीज फॉर्मर मिनिस्टर राजेंद्र दरदा बुक इनके बुक का नाम क्या है मज्जी भिंट माई वॉल कहते हैं इसे मतलब ये मराठी में है मराठी में है मतलब यानी मराठी महाराष्ट्र के गवर्नर करेंगे कौन है भैया तो महाराष्ट्र गवर्नर वो हैं जो कि गोवा के भी गवर्नर हैं महाराष्ट्र गवर्नर वो हैं जो गोवा के भी गवर्नर हैं ना तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा और भगत सिंह कोशियारी वहां के गवर्नर हैं याद कर लेना भगत सिंह कोशियारी ऑप्शन ऑप्शन तो मतलब क्या ये तो तुम्हें याद ही होगा ठीक है बुक का नाम देख लो भैया और ऑथर का नाम देख लो तुम्हारे सामने है सब कुछ गलत नहीं होना चाहिए ठीक है देख लीजिएगा खुशयाली जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो गए अभी नेक्स्ट पॉइंट केन स्पीयर्स हु पासड अवे एट द एज ऑफ 82 वाज द को-क्रिएटर ऑफ व्हिच कार्टून केन स्पीयर्स जो कि 82 वर्ष की अवस्था में मतलब इन कार्टेज हो गया है ये किस कार्टून के सह निर्माता थे हे अर्नाल्ड्स स्कूबी टू स्वेट कैट्स निंजा टाइटल्स एंड एंड कैच डॉग मैंने ये देखा है, ये देखा देखा है है और नहीं देखा है। चलो ठीक है आंसर आंसर दो इसका क्या होगा केन देखो में फेमस जो होते हैं लोग उनका आंसर आता है उनका क्वेश्चन आता है और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं ठीक है और इसका आंसर क्या होगा स्कूबी डू ऑप्शन नंबर बीज द राइट आंसर मैं बहुत देखा हूं स्कूबी डू मतलब हॉरर जो इनके स्टोरीज होते थे मजा आता था भाई देखने में स्कूबी डू ठीक है तो केन स्पीयर्स नाम याद कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं और अब तो अंकुश लगाने के लिए देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर धुनपान प्रतिबंधित कर दिया हमारे देश का वो कौन सा स्टेट था जिसने जो पहला स्टेट बना लूज सिगरेट को लूज सिगरेट को बैन करने वाला वो था महाराष्ट्र याद होगा आपको मेरे ख्याल से है ना चलो इसका आंसर दीजिए सिंचेन, सिंचेन प्रियंका जी आप बड़ी हो जाइए आप और नाम में छोटी आपने रखा है बड़ी हो जाइए आप सिंचेन बच्चे देखते हैं एंड द राइट आंसर इज टर्की ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर टर्की टर्की तो तर्की ने यह किया है काम ठीक है अच्छा काम किया जो भी किया श्रीलंका कौन बोल रहा है अधिकारी।, अधिकारी अधिकारी ऐसे अधिकारी बनोगे तुम नहीं बेटा रशिया बोल रहे अंशुल वाह भाई वाह तुषार मोटू पतलू बोल रहे हैं तुषार भैया बाबू अब तुम बाबू नहीं रहे हाँ, बाबू तुम्हें बोलते होंगे लोग कुछ लोग लेकिन तुम बड़े हो गए हो अब है ना तो टर्की इज द राइट आंसर और ये आपने देख लिया यहां पे ठीक है ठीक है और कोई पॉइंट तो पढ़ना नहीं है इसमें हमें चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एनविल्ड प्रोजेक्ट एयर केयर प्रोजेक्ट एयर केयर ड्यू टू राइजिंग लेवल ऑफ द एयर पोल्यूशन तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने एयर केयर प्रोजेक्ट को का अनावरण किया है जो कि पॉल्यूशन के बढ़ते खतरे के लिए था इसमें बे, 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 बेसिकली स्मोक इस वो स्मोक वो लगाए जाएंगे मशीन लगाई जाएंगी पैंसठ सिक्सटी फाइव मशीन लगाई जाएंगी पूरी आंसर दे क्या इसका आंसर होगा और यहां पर आंसर होगा हाँ, कल आए थे थेडमी पर बाबू ने खाना खाया आंसर हरियाणा और मजे की बात देखो बात हंसने की नहीं है वो लीडर बोर्ड में था बंदा हाँ? सीखे कुछ उससे नाम में कुछ नहीं रखा है हरियाणा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर देखिए यहाँ पे तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है मनोहर लाल खट्टर जी हैं तो इन्होंने प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण गुड़गांव में किया गुरुग्राम में और सिक्सटी फिफ्थ वायु मशीन हाँ मैं नाम भूल गया था विंड ऑग्यूमेंटेशन प्योरीफाइंग यूनिट वायु मशीन लगाई जाएंगे तो जाएं। 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 तो बच... हाँ बिल्कुल बचपना क्यों नहीं आना चाहिए बचपना सबके अंदर होना चाहिए मेरे हिसाब से ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एज आई एम नो मसीहा सुनते तो मतलब बोर हो गया आई एम नो मसीहा भाई जब मसीहा नहीं हो तो वो क्यों लॉन्च कर दिया है ना विल रिलीज इन दिसंबर तो ये ये देखो स्टाइल होता है कि हम बता भी नहीं रहे और बता भी रहे बताना भी नहीं आता छुपाना भी नहीं आता वी फोर ऑप्शन फाइव ऑप्शन और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर सोनू सूद ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर तो सोनू सूद इज राइट एंसर? अच्छा इनके को ऑथर कौन है ये मुझे बताइए एक नाम को ऑथर कौन है इसके साथ ठीक है क्योंकि मैंने यहां पे नहीं दिया है आपको बताना है वो चीज है ना सोनू सूद इज द राइट आंसर बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हो अच्छी बात है चलिए को ऑथर का नाम मैंने पूछा है आपसे चलिए हु अमंग द फॉलोइंग विल कंटिन्यू एज द मेन्स बैटिंग कोच ऑफ द पाकिस्तान अंटिल द आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप इन द टू थाउजेंड ट्वेंटी टी ट्वेंटी टू अब यहां पर क्वेश्चन यह बन सकता है कि आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हजार वाइस कहां पर होने वाला है कहां पर होने वाला है और दो हजार इक्कीस कहां पर होने वाला है तो ये दोनों का आंसर मुझे आप दे दीजिएगा इसके आगे आता है हमें उनसे मोहब्बत है, है छिपाना भी नहीं आता अरे आता है यार मैं क्या बोलता हूं महीने तीन महीने पांच सौ रुपए महीना सबका पर्सनालिटी डेवलप कर दूंगा मैं ठीक है मिस बा, मिस बा उलहक बोल रही है ठीक है आंसर इज द दूनिस्क ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर तो यूनिस्क कोच बनेंगे बैटिंग कोच बनेंगे और पाकिस्तान के दो हजार बाईस तक इक्कीस का जो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है और बाइस का ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है एग्जैक्टली exactly में 2020 में ही ऑस्ट्रेलिया का होने वाला था लेकिन बीसीसीआई ने बोला कि भैया देख लो आईपीएल करवा लो या की पावर बढ़ती हुई पावर ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं देखो तो का कहां पर में और यूनिस खान, खान कैप्टन कोच बने हैं, तो ये देख ठीक है चलिए आगे बढ़ते नहीं फ्री में नहीं देंगे केवल के लिए वैसे भी वैसे ये कोचिंग केवल ठीक चलिए right आइए किया, किया है लर्न थोड़ी ना करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोकसिंग ऑन द टेक्नोलॉजी टू रीच आउट द कस्टमर एंड इज सेट टू लॉन्च बैंकिंग प्लेटफॉर्म तो इसमें से कौन सा विदेशी बैंक है जो ग्राहकों को लुभाने के लिए टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहा है और नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा किसके साथ किसके साथ कई बार मैंने आपको पढ़ाया आंसर दीजिएगा आज नाइट क्लास है हमारी रात के दस बजे देखो आज हमारी क्लास कहां कहां है दो बजे अनअकैडमी पर है हम क्या बात करेंगे अक्टूबर मंथ की बात करेंगे फिर तीन बज के पांच मिनट में फिर से अन अकेडमी पर है जहां पर मैं यूपीएससी आरबीआई ग्रेड बी इस सब लेवल के लिए पढ़ा रहा हूं इकनोमिक्स जहां पर हम फॉरेन ट्रेड पार्ट टू की बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे रात के दस बजे कहां पर अनअकेडमी पर जहां पर मिक्स बैक की बात होगी आज बैंकिंग अवेयरनेस की ठीक है और इसका आंसर क्या होगा आंसर इज द एसबीएम बैंक ऑप्शन नंबर ए तो एस बैंक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नहीं आ, नहीं एक कमेंट है कि बहुत अच्छी होती है। लड़के थोड़े से वो होते हैं मतलब है तो इसलिए मैं बोल रहा था गर्ल्स में तो मेरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा ठीक है तो एसबीएम बैंक और पे नियर बाई पे नियर बाई याद कर लेना बेटा याद कर लेना ठीक है ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने चलिए आगे बढ़े गाइस और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वन वन नाइन की तो एच डी एफ सी अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस एच डी रुक जाओ ये क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन है सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैव सक्सेसफुली लॉन्च द इनिशिएटिव ऑफ डोर स्टेप सर्विस फॉर सबमिशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू द पोस्टमैन तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो डाकिया के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दरवाजे की सेवा का की पहल सफलतापूर्वक शुरू कर रहा है आपके घर पर आपके दरवाजे पर आपको प्रॉपर आपका लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा डिजिटली आंसर बताइए व्हाट इज द आंसर वी हैव फाइव ऑप्शंस और यहां पर आपको इसका आंसर दे रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या यह सही आंसर होगा क्या ये सही आंसर होगा आंसर इज द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था याद रखिएगा वैसे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट ने 2017 में अपनी ब्रांचेस स्टार्ट कर दी थी रांची में झारखंड में मतलब बेसिकली लेकिन अगर सही मायने की बात करें तो दो में हुआ था तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्कल में क्वेश्चन पूछा गया था तो टू हमारा सही आंसर है ठीक है हा हा बिल्कुल डाक पे भी उन्हों लॉन्च किया बिल्कुल भाई सही बात है किसने बोला ये बात अंशुल वाह चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिए यहां पे देखिए वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाते हैं निमोनिया के लिए हमारे देश में पहली वैक्सीन भी आ गई है हर्षवर्धन जी ने इसे लॉन्च किया नाम अगर आपको मालूम हो तो अच्छी बात हो जाएगी ठीक है हां जे वेंकट रामू भी इसके इंडिया पोस्ट पिंड के नए वेरी गुड यार बहुत बढ़िया बहुत अच्छा यार तुम लोग बोलते हो चलो इसका आंसर दो तो जे वेंकट रामू भी इंडिया पोस्ट पिंड के नए सीएमडी बने हैं उनका भी नाम याद रखेगा आपका बैंक आपका बैंक आपके द्वार टैगलाइन भी चलिए अब यहां पर एक क्वेश्चन मैंने पूछा है और इसका आंसर आप क्या देने वाले हैं बोले हैं बारह नवंबर आंसर इज द नवंबर ऑप्शन नंबर ए आई होप कि नवंबर के डेज आप लोगों ने पूरे याद करके यहां पर आप आए होंगे तो डेज पूरे याद कर लीजिएगा जरूरी आपके लिए न्यूमोसो न्यूमोसिल चलिए आज देख लीजिए वर्ल्ड निमोनिया डे बारह नवंबर और थीम की बात करें तो एवरी ब्रेथ काउंट्स एवरी ब्रेथ काउंट तो ये इसका आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच मिनिस्ट्री हैज ब्रॉड डिजिटल ऑडियो वीडियो कंटेंट

की बात कर लेगा इस वॉट इज जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसे अपने अंडर में ले लिया है तो ये तो ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ेगा इस और अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अनविल्ड अ स्टैचू ऑफ द स्वामी विवेकानंद इनवर्सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा आर्टिकल सेवनटी प्रेरणा बिल्कुल सही आर्टिकल 77 जो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका अधिकार करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अपने, अपने उसमें अंडर में ले लिया इसको मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने और आपने बोला न्यू डेली क्या ये सही आंसर होगा तो नई दिल्ली हमारा बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में कहा नई दिल्ली में कहा बेटा तो नई दिल्ली की बात करें तो जे कैंपस में भैया वहां पे हो गया है तो ये देख लीजिए यहाँ पे यहां मोदी जी ने ये कारनामा किया है बीच में खबर आई थी कि इस पर पथराव भी हो गया था है ना हमारे देश में बहुत खाली लोग हैं पत्थर हाथ में दे दो उनको और देखो फिर मतलब किसान आंदोलन जैसे हो गया तो मैं उनको खाली नहीं बोल रहा हूं तो उसमें कुछ लोग लगे टावर आवर तोड़ने तो खाली लोग बहुत है हमारे देश में है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फिश एंड द फिश बेस्ड प्रोडक्ट इन द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम आंसर तो किस राज्य सरकार ने अपने पूरक पोषण कार्यक्रम में मछली और मछली आधारित उत्पाद पेश किए हैं वेरी गुड वी है फाइव ऑप्शन वेस्ट बंगाल उड़ीसा महाराष्ट्र केरला आंध्र प्रदेश दीपिका पादुकोण में तो खाली ही है ना कहीं <laughs> थी गई रोने लगी वहां पे एक तो गजब मतलब यार सही है वेस्ट बंगाल उड़ीसा महाराष्ट्र केरला आंध्र प्रदेश और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा तो ओडिशा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है फिश एंड द फिश बेस्ड प्रोडक्ट इन द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में अपने ठीक है तो एक पॉइंट आपके सामने ये है देख लीजिएगा आगे बढ़ते और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की पे विच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट कंप्रेहेंसिव बैंकिंग एंड द पेमेंट सोल्यूशन फॉर द मर्चेंट स्मार्ट हब मर्चेंट सोल्यूशन थ्री पॉइंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है मैंने दो क्वेश्चन बोला है तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है और दोनों आएंगे देख लेना द आंसर फेडरल बैंक आईसीआईसीआई बैंक एच डी एफ सी बैंक एक्सिस बैंक और यस बैंक एक्सिस बैंक ने एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था याद है ना आज मैंने सुबह बोला था आपसे यस बैंक की बात करें तो एसएमएस पे यस बैंक एसएमएस पे लॉन्च कर चुका है ठीक आईसीआईसीआई बैंक तो आई मोबाइल पे इनफाइनाइट इंडिया वाला जो स्कीम है ना

और तुम और मेहनत कर सकते हो तुम और ग्रो कर सकते हो तो मैंने तुम्हें अपने कंपनी के शेयर भी दे दिए कि सैलरी भी लो हमसे और प्रॉफिट में पार्ट भी लो हमसे हम, तो हम बोलते हैं तो सेवन मेंबर कमेटी बनाई गई थी उसे लीड कौन कर रहा है यह आपसे पूछा गया पांच ऑप्शन आपके पास है संदीप भगत क्या यह सही आंसर होगा एक बार देख लेते हैं तो इसका आंसर संदीप भगत ऑप्शन नंबर डी इज द दुलटली राइट आंसर वेरी गुड फंटास माइंड ब्लोइंग जय माता दी रॉक्स आगे बढ़ेगा इस कौन बोला जाएगा ये तनुजा बोल रही हैं और नेहा बोल रही हैं अजय त्यागी अमित भी बोल रहे हैं अच्छा वेरी गुड वैष्णवी भी बोल रही हैं अच्छा, है। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया देख रहा हूं मैं कमेंट देख रहा हूं चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनविल्ड टू मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने दो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है एम्ड एट इंप्रूविंग द फंक्शनिंग एंड सुपरविजन ऑफ द पंचायत राज डिपार्टमेंट यानी अपने स्टेट में पंचायत राज डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग और सुपरविजन करने के लिए दो एप्लीकेशन बनाए हैं किस स्टेट ने आपसे पूछा गया आंसर दीजिएगा जल्दी 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 तेलंगाना राहुल बोला तेलंगाना और 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 राहुल तेलंगाना भी बोल रहे हो तुम फिर हरियाणा बोल रहे हो दो आंसर मत दो मेरे भाई तेलंगाना विक्रम तेलंगाना और इसका आंसर क्या होगा इस नंबर याद करने की जरूरत नहीं है पल्ले प्रगति पंचायत सेक्रेटरी एप्लीकेशन एंड पल्ले प्रगति इंस्पेक्शन ऑफिसर ऐप ये दो ऐप है मत, नाम मत याद कोई दिक्कत नाम में नहीं है आप मत याद करिएगा आप केवल ये याद कर लीजिए किसने किस स्टेट ने लॉन्च किया ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब देखो ज बिकम द फर्स्ट फॉर सोवेरन वेल्थ फंडिफाइड एंड ग्रांटेड हंड्रेड परसेंट इनकम टैक्स एग्जामेशन फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या, मतलब क्या बोला गया कि कौन सा देश है जो अपना एक वेल्थ फंड लॉन्च कर रहा है अगर उसमें निवेश किया जाएगा तो हंड्रेड परसेंट टैक्स की छूट मिल जाएगी वो कौन सा देश है इसका इसकी इंफॉर्मेशन हमारी एफ एम ने दिया हमें ठीक है आंसर दे अच्छा क्वेश्चन और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बढ़िया क्वेश्चन है और आजकल इंडिया का प्यार किससे चल रहा है तो आपको मालूम है गाइस इसका आंसर आंसर क्या होगा इज द धाबी सोवरेन वेल्थ फंड जो जो हम करते जा रहे हैं कहते रहे हैं वो वो होता जा रहा है हमारे लिए है ना आइए देखते हैं पूरी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो धाबी सोवरेन वेल्थ फंड ये फंड है इसमें निवेश करने पर हंड्रेड इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी ये बहुत अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए विच जर्नल इंश्योरेंस कंपनी अनाउंस दैट इट हैज पार्टनर विद द पे बीमा एज अ ब्रोकर टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स इंडस्ट्री लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन देखिए ये पे बीमा क्या है बेटा ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक ऑनलाइन पोर्टल है जस्ट लाइक जस्ट लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार जस्ट लाइक ठीक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के इस पोर्टल पे पे यहां पे कौन सी कंपनी अपना इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेगी ये क्वेश्चन का मतलब है आंसर आपको देना क्या का आंसर दोस्तों आंसर भी देना है और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है वो आंसर तो महिंद्रा मत दो आंसर जी टाटा एआई अधिकारी बोल रहे हैं ठीक है तुषार टाटा बोल रहे हैं तुषार तनेजा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच और इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ए तो टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस जो है बेटा वो पे बीमा के पोर्टल पे अपनी पॉलिसी बेचेगा लेकिन भूलना मत बाबू लोग ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का है बेटा याद कर लेना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तो एक बार मैं तुमको पे में दिखा दू तो महिंद्रा इंश्योरेंस का नहीं रुक जाओ पे बीमा कहा गया देख भी नहीं रहा है बीमा ये देखो ये है तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का यहां भी है ना देखो तो महिंद्रा ठीक आर्म है सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड विच स्टेट बैक द बेस्ट स्टेट अवार्ड मैंने आज ही सुबह आपको रिविजन करवाया था कि किस स्टेट ने दूसरा नेशनल वाटर अवार्ड में बेस्ट स्टेट का मतलब खिताब मिला महाराष्ट्र तो सेकंड प्लेस पे था

तो आईटीटीएफ महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता पांच ऑप्शन हमने आपको दिए हैं। चाइना की है और फाइनल में उन्होंने काउंटर पार्ट को हराया था तो चाइना की है ये अब चाइना में नाम देख लो तो हालांकि सारे नाम चाइनीज ही लग रहे हैं देख लीजिएगा इसका आंसर होगा मयंक चौकसी जी कितना आप पे पढ़ो यहां पर ध्यान से इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर चेन मेंग ऑप्शन नंबर चेन ऑप्शन नंबर आंसर। तो चेनमेंग की बात कर लेते हैं तो ये चाइना की है, है? देख और ये वर्ल्ड पर भी है मतलब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड काइंडनेस डे में कब मनाते हैं पांच ऑप्शन आपके पास है सही आंसर आपको देना है क्या इसका आंसर होगा वॉट इज द आंसर

जल्दी राहुल रावत बोल रहे हैं चार सौ राहुल रावत के आपको कॉपी मत करना ये दो तीन आंसर देते हैं जहां पे निगाह पड़ जाए आपकी मयंक चौकसी चार सौ बोल रहे हैं अंशुल चार सौ बोल रहे हैं अधिकारी पांच सौ बोल रहे हैं ठीक है आरती जी हैं चार सौ बोल रही हैं ठीक है आइए आंसर की बात करते हैं क्या इसका आंसर होगा आंसर इज फाइव ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर तो पांच प्राइवेट अकेडमी खोली जाएंगी तो देख लीजिएगा और हमारे देश के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है तो इनका नाम है किरण रिजिजू किरण बहुत लोग बोलते हैं किरण मतलब स्टाइल नहीं बोलो थोड़ा सा है ना तो पांच सौ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है देख लो किरण नाम नहीं है किरण नाम है रिजिजू ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तू हा कर या ना कर ये क्वेश्चन द फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस अ न्यू स्टिमुलस अंडर आत्मनिर्भर भारत थ्री पॉइंट हो यहां पर स्टिमुलस का मतलब होता है स्टिमुलस पैकेज से मतलब देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है द टोटल स्टिमुलस अनाउंस इज हाउ मच परसेंट ऑफ द जी डी पी तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत थ्री पॉइंट ओ की बात बोली है जिसमें फंड दिए जाएंगे तो टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जीडीपी का कितना दे चुकी है आपसे कितना देगी पूरा आपसे पूछा गया आंसर देखिए अभी तक नाइन परसेंट दे दिया गया है अभी तक नाइन हमारे जीडीपी का अभी तक नाइन परसेंट गवर्नमेंट ने दे दिया है कितना पूरा देगी यह आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या होगा जल्दी मैंग बोलें ट्वेल्व परसेंट अच्छा चलिए देखते हैं बारह सारे बच्चे बारह ही बोल रहे हैं नहीं बारह नहीं होगा ये पंद्रह होगा ऑप्शन नंबर बीस द राइट आंसर फिफ्टीन परसेंट मैं आपको दिखा देता हूं देखिए यहां पे तो अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्वेंटी लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी पूरा जो कि हमारे फिफ्टीन परसेंट ऑफ द जीडीपी है और अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाइन परसेंट दे दिया है मतलब कि जितना रे, रेस्ट रह गया वो यहां पर है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड डायबिटीज डे हम कब मनाते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे हम कम बनाते हैं यहां पर पांच ऑप्शन आपके पास है क्या इसका आंसर होगा बहुत लोग अपने कमेंट डिलीट कर देते हैं मेरी निगाहें रहती हैं आप चलिए आंसर दे यहां पे और यहां पे इसका आंसर क्या होगा यहां पे इसका आंसर होगा नवंबर 14 ऑप्शन नंबर सी तो वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है बेटा वो हम नवंबर 14 को मनाते हैं ये भी डे सारे याद कर लीजिएगा मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको डे बाई डे के हिसाब से ठीक है और याद रखना इस चीज को जो मैं आपको बोल रहा हूं ठीक चलिए तो वर्ल्ड डायबिटीज डे फोर्टीन नवंबर और अगर हम थीम की बात कर लें थीम क्या है द नर्स एंड द डायबिटीज द नर्स एंड द डायबिटीज ये भी याद कर लीजिएगा द नर्स एंड द डायबिटीज चलिए

चॉकलेट डे सेवेंथ जुलाई मैं मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपको कौन सा याद है, है? आप ये बताओ जो मैं पूछ रहा हूं ठीक है चलिए मसूरी नहीं मैसूर में ना जी कर्नाटक मैसूर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर तो भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम जो है वो कहां बनेगा मैसूर कर्नाटका में मसूरी अलग है मैसूर अलग है ठीक है और आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए यहां पे लोनार लेक इन विच स्टेट हैज बीन चूज इन एज अ साइट ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रैमसर ट्रिटी मैं आपको अपने करंट अफेयर्स में कई बार रिवीजन करा चुका हूं लोनार लेक के बारे में आंसर देखिए इसका आंसर होगा अभी सबसे रिसेंटली में जो रैमसर साइट बनी है वो कहां बनी है लद्दाख में बनी है, है ना

म्यामार इलेक्शन हुए किसने जीता यह आपसे पूछा गया है पांच ऑप्शन आपके पास है मेरे हिसाब से आप बता देंगे अच्छा मुझे क्वेश्चन हो दो म्यांमार में इंडिया कौन से पोर्ट को अभी ऑपरेट करने जा रहा है इंडिया कौन सा पोर्ट है वो म्यांमार को भी इंडिया ने अपनी सबमरीन दी है ना उसका नाम बताइए दो क्वेश्चन मेरे हैं आपसे चलिए आंग सांग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर लेकिन दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे भी हैं

तो सिटवे पोर्ट हमारा सही आंसर होगा और अगर हम बात करते हैं कौन सा हमारा सबमरीन तो सिंधुवीर वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए तो ये पांच ऑप्शन हमने दिया आपको इसका आंसर बांग्लादेश बोल रहे हैं आप लोग बांग्लादेश इज द राइट right आंसर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने हमारे देश की किस कंपनी के साथ यह जो कोविड शील्ड है कोविड शील्ड कोविड शील्ड जो है ये हमारा वैक्सीन है है बेसिकली जो कि बना रही ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर इंग्लैंड में जिसे यूके ने कल ही मतलब इसको अप्रूवल दे दिया है और यूके पहला देश भी बन गया है ठीक है तो यह कौन बनाएगा इंडिया में सीरम बनाएगी सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है है ना तो सीरम इंस्टीट्यूट ने बांग्लादेश गवर्नमेंट से भी एग्रीमेंट किया है मैंने आज सुबह ही आपको रिवीजन भी करवाया था उसका ठीक है

अब भले हमारे आगे एग्जाम में ना पूछे लेकिन हमें यह तो मालूम है ना एग्जाम में पूछा गया था तो हमें यह याद करना चाहिए मेरे हिसाब से हाँ यूनेस्को ने मुजिबुर रहमान के नाम पर एक इंटरनेशनल प्राइज की बात भी बोली है दो साल में एक बार दिया जाएगा और यह प्राइज जो है वो क्रिएटिव इकॉनमी कैटेगरी में दिया जाएगा क्रिएटिव इकोमी याद रखेगा बांग्लादेश के साथ इंडिया ने बोंगो सागर का एक दूसरा एडिशन भी किया था एक्सरसाइज ये भी याद रखेगा चलिए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा 7.61 परसेंट ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश और इंडिया में अभी सेवन भी साइन हुए हैं ये भी आपको पता ही है, है ना पढ़े हैं हम लोग हर चीज चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हैं और बात करते यहां रिटेल इन्फ्लेशन सितंबर में ये भी याद कर लेना इसका रेटा भी आपको हम दे रहे हैं एंड 7.61 अक्टूबर में मैंने वैसे नवंबर ही पढ़ाया है आपको जरा नवंबर बताओ जरा नवंबर का नवंबर का आरती बोल रही है 6.93 परसेंट बहुत बढ़िया आरती बहुत बढ़िया मोलू राज भी है मोलू राज भी सिक्स पॉइंट नाइन थ्री बोल रहे हैं मोलू भाई बहुत बढ़िया बहुत अच्छे बच्चे बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री एडिशन ऑफ द ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग तो देखो गाइज एक बात याद रखना इस बार ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का सारा समिट रशिया में ही होना है तो एग्जामिनर को पता है कि आपको यह मालूम है ब्रिक्स रशिया या जी ट्वेंटी तो सऊदी अरेबिया तो वो आपसे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा या तो आपसे थीम पूछ लेगा कौन सा थीम या एडिशन पूछ लेगा तो एडिशन पर ध्यान दीजिएगा यहां पर पांच आंसर आ रहे हैं कुछ लोग सात बोल रहे हैं ठीक है एंड द आंसर इज द ऑप्शन नंबर आठवां एडिशन था ब्रिक्स का नहीं ये ब्रिक्स में इनका आठवां एडिशन था अच्छा कौन सा ब्रिक्स का कौन सा एडिशन था यह बता देना मुझे ये ब्रिक्स में कौन सा एडिशन था जरा मुझे बताओ टोटल ब्रिक्स का मैं ये साइंस वाइंस नहीं कर रहा हूं मुझे वो भी कमेंट करिए आप लोग ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये एट्थ समिट थी भाई याद कर लीजिएगा बारहवा सौरभ त्रिपाठी बोल रहे हैं बारहवा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नेम द इंडियन नेवी फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विच बीन लॉन्च रिसेंटली विच लॉन्च लॉन्च रिसेंटली तो भारतीय नौसेना की पांचवी स्कॉर्पियन श्रेणी की पंडुब्बी का नाम बताइए जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान करते थे जब मैं पढ़ता था आइनस चेन्नई आइनस किल्टन आइनस मद्रास आइनस वगीर आइनसरा विरग्राह वि, विरग हाँ ठीक है चेन्नई से अभी क्या हुआ बेटा आईएनएस चेन्नई से हमने ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था किल्टन अभी कहां गया किल्टन मिशन सागर थ्री पर गया कहां वियतनाम फिर कंबोडिया और वहां पर पैसेक्स एक्सरसाइज भी किया है ना आंसर दीजिए जरा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा वगीर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर वगीर हमारा सही आंसर होगा देख लीजिए यहां पे ठीक है तो इंडिया इंडियन नेवी का पांचवा कलावरी क्लास का डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन आईएनएस वगीर ठीक है इसको मजगांव डॉक में मतलब मजगांव डॉक जो है वहां पर इसको शामिल किया गया इंडियन नेवी में तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछते हैं कि कहां पे कमीशन किया गया तो ये देख लीजिएगा तो ये पांचवा है चार कौन है तो आई कलावरी आई खंडेरी आई करनाज आई वेला एंड आई एन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब क्यू आर एस ए एम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ठीक है ये आई थिंक चांदीपुर ओडिशा में इसका परीक्षण हुआ था और परीक्षण कौन करेगा तो डीआरडीओ ही करेगा हमको मालूम है ना ठीक है आइए पूरी बात कर लेते हैं यहां पे देखिए तो डीआरडीओ हमारा सही आंसर है कहां से किया गया वो देख लेते हैं एक बार तो कहां से किया गया तो बालासोर से किया गया सॉरी चांदी ओडिशा से किया गया तो ये देख लेना इसको देख लेना क्यू आर एस ए एम तो इसी टाइप की कंफ्यूजन आपको एग्जाम में हो सकती है जैसे मैं हुआ है ना तो क्यू ओ क्यू ओ नहीं ऐसे नहीं बनेगा क्यू बी क्यू बी से बन सकता है कुछ ट्रिक बन सकता है या क्यू भी याद कर लो क्यू मतलब क्विक और बी का मतलब बालासोर इस तरह से कुछ करना पड़ेगा वरना याद नहीं होगा हमें है ना चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट ईस्ट एशिया समिट कौन से पंद्रहवें 15th ईस्ट एशिया समिट हुई और इसको होस्ट किया वियतनाम ने अभी हम लोग आज शुरुआत कर रहे थे इसकी तो मुझे बताइए कि uh, क्या स्कैंडर होगा आंसर दो एस जयशंकर बिल्कुल सही तो एस जयशंकर ऑप्शन नंबर ए तो ये हम लोग फिफ्टींथ ईस्ट एशिया समिट की बात कर रहे थे और जयशंकर जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहां पे तो ये देख लीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द नेशनल प्रेस डे हम कब मनाते हैं नेशनल राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम कब मनाते हैं यहां पर पांच ऑप्शन भाई लोग मैं फिर से बोल रहा हूं डेज बेज याद कर लीजिए आज ही याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए इतना कुछ बड़ा नहीं है नवंबर मंथ का आज आप याद कर सकते हैं अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो जरूर सकता ही है ये आंसर इज द नवंबर सिक्सटीन ऑप्शन नंबर बी नवंबर सिक्सटीन ऑप्शन नंबर बी तो यहां पे अंशुल बोल रहे हैं कि मोटा भाई जल्दी कहीं नहीं जाते तो देखिए बात यह है कि ये काम विदेश मंत्रालय का है पहली बात दूसरा जयशंकर जी जो है ये काफी ज्ञानी आदमी है इन्हें कई देश की भाषाएं आती हैं क्योंकि ये रह चुके थे हमारे एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी तो इनका जाना ही ठीक है बात करने से बात होती है बात बिगड़ने से बात नहीं होती है है ना वहां कहीं मिसाइल गुस्सा जाए है क्या फायदा चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नीतीश कुमार इज सेट टू बी सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द विच टर्म यह आपसे विच टर्म पूछा है मतलब कॉन्टिन्यूसली नहीं पूछा है आपसे कौन सा इनका टर्म होगा यह आपसे पूछा है तो कंफ्यूज मत हो जाना बताओ क्या इसका आंसर होगा इसका इसका आंसर आंसर क्या होगा? इसका तुम दो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा एक बार मैंने गलती से बोल दी कि बात करने से बात बनती है मैं हमेशा बोलता था पहले अब मैं नहीं बोलता तो इसका फायदा तुम लोगों ने उठाया और खूब यहां बात की आपस में कि सर बात करने से ही बात बनती है ना और यहां पर सात आंसर आप लोग दे रहे हो तो इसका आंसर सात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो हु अमंग द स्टैच्यू ऑफ पीस टू मार्क द वन फिफ्टी फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज स्टैचू ऑफ पीस टू मार्क द वन फिफ्टी फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ श्री श्री सुरेश्वर जी महाराज इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर तो गाइज यहां पर हमने अपनी डेढ़ सौ क्वेश्चन की सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली तो डेढ़ सौ क्वेश्चन पहले मैंने आपको दिए और डेढ़ सौ क्वेश्चन आज हो गए मतलब तीन सौ क्वेश्चन हो गए इसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैं दे चुका हूं और इसकी पीडीएफ आज वाली मैं अभी आपको दे रहा हूं टेलीग्राम पे जिन बच्चों को पहले वाली पीडीएफ नहीं मिली है टेलीग्राम पर आप देख लीजिए फाइल ऑप्शन में मिल जाएगा और ये आज दे देंगे तो तीन सौ क्वेश्चन मैंने दे दिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे खत्म हो गई सौ क्वेश्चन की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आगे शुरू हो जाएगी इसे पढ़ने की ठीक है थैंक यू सो मच गाइज अपना ख्याल रखिए मिलते हैं आपसे दिन के दो बजे अन अकेडमी एप्लीकेशन पे फॉर द अक्टूबर मंथ रिवीजन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच